आप सबने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आता है माइंड में कई बार, आता है ना कि जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, और स्पेशली तब आता है जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है, है कि नहीं। जब लाइफ बढ़िया चल रही होती है, हनीमून पे कोई सोचता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? तो जब लाइफ जब बढ़िया होती है तब हम ये सब नहीं सोचते। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तब दिमाग में आने लग जाता है, यार इतना दुख इसलिए बनाया भगवान ने हमें, इतनी प्रॉब्लम्स क्या करूं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, तब आता है दिमाग में। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। दो तरह के पर्पस हैं, एक है लिविंग फॉर थिंकिंग रेस्टलेसली, जियो इसलिए कि हम नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ सोचते ही रहे। दूसरा, थिंकिंग फॉर लिविंग पीसफुली, सोचना बंद नहीं करना है, लाश नहीं बनना है, सिंपल है। दैट इज नॉट द रियल गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दैट कुछ लोग जो नहीं समझ पाए ना स्पिरिचुअलिटी को, वो बोलते हैं कि हाँ भाई थिंकिंग विंकिंग ये खराब है, ये है वो। अरे नहीं, थिंकिंग करेक्टली दैट ब्रिंग्स यू पीस। ये तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास में, इन दोनों में से हमको एक को चूज करना है। तो हम क्या चूज करेंगे और क्यों, ये अपने आप से आराम से बैठ करके पूछना है और इसका मतलब समझना है। एक एक वर्ड को बारीकी से पकड़ो, अगर इसको आपको पकड़ में आ गया तो आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। खुद से सवाल करना है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, कि इसलिए जीऊं कि 24 घंटे सिर्फ सोचता ही रहूं। हम यही नहीं कर रहे, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसके पास ये है मेरे पास में ये नहीं है, ये सब क्या है सोचा है। जेलेसी क्या है, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना क्या है, जस्ट लिविंग फॉर थिंकिंग, राइट, लिविंग फॉर थिंकिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरी मम्मी ऐसी क्यों है, मेरे पापा ऐसे क्यों हैं, मेरी वाइफ ऐसी क्यों है, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, वो बदल क्यों नहीं जाता, ये सब क्या है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ में इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों हैं, पढ़ाई इतनी टफ क्यों है, ये सब क्या है, यूजलेस थिंकिंग। इसको बोलते हैं चिंता, चिंता पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, थिंकिंग फॉर लिविंग पीसफुली, कि अगर मुझे पीसफुली जीना है तो मुझे जॉब को करना ही होगा, चाहे मैं यहां करूं चाहे इसको छोड़ करके कहीं और करूं, करना तो होगा, कुछ तो करना ही होगा। व्हाट इज दैट, दैट इज थिंकिंग करेक्टली। जॉब अगर आपने छोड़ दिया और घर पे बैठ गए जॉब की प्रॉब्लम्स की वजह से, इस पहले वाले ऑप्शंस की वजह से, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, आपकी पीस और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पीस हैज टू बी द अल्टीमेट गोल। तो इसके बारे में आराम से, ये समझ आ गया आपको, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू सो दैट आप आराम से बैठ करके इसके बारे में सोच सको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इससे रिलेटेड। एक है चिंता, एक है चिंतन, दोनों का फर्क समझ आ रहा है। चिंता मतलब क्या, जो है उसके बारे में कुछ भी सोचते रहो, दैट इज चिंता। मेरे को बीमारी क्यों हो गई, मुझे ही क्यों हुई, भगवान ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, जरूर मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे, उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, जरूर उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, ये सब क्या है, यूजलेस चिंता, यूजलेस, किसी काम की है ये। और यही तो हम करते हैं, कल अगर ये हो गया तो क्या होगा, मेरे मम्मी पापा वहां गए हुए हैं, अगर वापसी में गाड़ी में आते में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, आते हैं ऐसे ऐसे थॉट्स माइंड में, ये क्या है, ये यूजलेस चिंता, नहीं हुआ तो क्या होगा, वापस घर आ जाएंगे, तब ये चिंता होगी कि अब आ गए हैं, अब आकर के मेरे को बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मैं इतना अच्छा करता हूं, वो मेरे साथ इतना बुरा क्यों करता है, क्या है ये चिंता, वो ऐसा क्यों है, क्या है ये चिंता, जैसा है सो है, कोई जवाब है, जैसी दुनिया है सो है, एक्सेप्ट कर लो। बिल्ली चूहे को क्यों खाती है,
क्या है ये, क्या है ये? अरे भाई ये रियलिटी है जिसके ऊपर आप जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या है ये चिंता? सोसाइटी ऐसी क्यों है? जैसी है सो है, क्या है ये चिंता? सोसाइटी को कैसे बदला जाए, ये क्या है चिंतन? मेरी हेल्थ इतनी बुरी क्यों है? मुझे बीमारियां क्यों हैं? मेरा पेट यहां तक क्यों है? मैं लड़का हूं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, फिर भी मेरा पेट यहां तक क्यों है? ऐसा क्यों है? ये क्या है चिंता? मैं अपने पेट को कम कैसे करूं, एब्स कैसे बनाऊं, ये क्या है चिंतन? क्लियर आ रहा है, डिफरेंस समझ आ रहा है? राइट थिंकिंग एंड रॉन्ग थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग जो आपको स्ट्रेस की दुनिया में ले जाएगी, आपकी पीस को खत्म कर देगी। तो अल्टीमेट गोल क्या है? जो भी आपके पास में रिसोर्सेस है, अपनी बॉडी है, टैलेंट है, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, स्किल है, एजुकेशन है, अपना माइंड है जहां पर आप सोच सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, ये सब आपके रिसोर्सेस हैं। इन सबको यूज करना है किसमें? पीसफुल, नॉट पीसफुल इन द शॉर्ट टर्म, पीसफुल इवेंचुअली। समझ आ रहा है? शॉर्ट टर्म पीस का मतलब क्या है? ये रिसोर्सेज हैं, पैसा है, ये है वो, इसका मतलब आदमी क्या निकालेगा? अच्छा, इसका मतलब ये है इन सबको यूज करना है पीसफुल होने के लिए, तो इसका मतलब जाओ किसी ठेके पे दारू की बोतल खरीद करके आओ और पी लो, हो गए पीसफुल, बढ़िया नींद आएगी, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि कहीं जाओ और जा करके अपनी फैमिली के साथ में कहीं हॉलीडे पे चले जाओ, हो गए पीसफुल? अरे नहीं, शॉर्ट टर्म, एक दिन दो दिन। आई एम टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट पीस, आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट पीस, जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला ना सके, ऐसी पीस। दैट मस्ट बी द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ।